नमस्कार दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि एजुकेशन लोन लेने के लिए क्या इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है? क्या जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता है, जिसकी इनकम कम है, तो उसको एजुकेशन लोन नहीं मिल पाता? तो फ्रेंड्स, मैं ये आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके माता पिता में से किसी ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा हो, लेकिन आपके माता पिता का पैन नंबर होना ज़रूरी है। आज की डेट में हर कोई चाहता है कि वे अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, पढ़ाए लिखाए, डॉक्टर इंजीनियर्स बनाए। तो इसके अंदर अगर यदि किसी वजह से उनकी कोई इनकम नहीं है, वो कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं, तो उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है। कोई भी बैंक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी बैंक हो, अगर आपके बच्चे का अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, या MBA करना चाहते हैं, और उसके अंदर आपने कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो उसकी आप टेंशन मन ना लें, क्योंकि बैंक जब आप अप्लाई करते हैं, बैंक आपसे आपका पैन कार्ड और आपके बच्चे का पैन कार्ड मांगता है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, इनकम टैक्स रिटर्न भरना ये इस केवल उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है जिन जो कि एक इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। मान के चलिए अगर आपकी वार्षिक जो कमाई है वो अगर 2 लाख 1 लाख है, तो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। उसके अंदर आपका 0 टैक्स जाएगा, और इनकम टैक्स रिटर्न कोई भी ऑनलाइन भर सकता है, जिसमें कि उसको बिना किसी चार्ज के फ्री में ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइलिंग पर वह इनकम टैक्स की साइट पर जाके फाइल कर सकता है ITR। तो अगर यदि आप करना भी चाहें तो आप कर भी सकते हैं, और मैं तो आपको ये हिदायत दूंगा कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखते हुए आप हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरें, चाहे आप इनकम टैक्स दायरे में ना आए। अब बात करते हैं कि मैंने जैसे आपसे कहा था, अगर आप अपने बच्चे के लिए एजुकेशन लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका और आपके बच्चे का दोनों का पैन कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपने अपने बच्चे का पैन कार्ड नहीं बनवाया, अपना नहीं बनवाया, तो पहले पैन कार्ड ज़रूर बनवा लें। यह बेसिक रिक्वायरमेंट है एजुकेशन लोन अप्लाई करने के लिए। और जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कंप्लीट एजुकेशन एप्लीकेशन फॉर्म जो विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे आप भर सकते हैं, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एडमिशन लेटर, और जो स्टेटमेंट यानी कि किस हिसाब से कॉस्ट आएगी स्टडी की, और एकेडमिक रिकॉर्ड मतलब 10 और 12वीं की मार्कशीट, प्लस जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है आपको वो। तो फ्रेंड, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बच्चे भी IIT IIMs में सेलेक्ट हो और एजुकेशन लोन लें बिना किसी हसल के। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने WhatsApp ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड।